नाउ देखिएगा मोशंस पे, कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने डिस्टेंस टाइम बार ग्राफ में लास्ट में द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स में, उसके बाद हमने कई चीजें उसमें लिखी थी कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन होगी, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म होगी, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी अगर आपका कर्व्ड लाइन होगा तो उस समय आपका स्पीड आपका नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब सेकेंड चीज इसी में स्पीड टाइम ग्राफ की हम बात करें, जैसे डिस्टेंस टाइम था, टाइम विल बी ऑलवेज डिनोटेड ऑन ए हॉरिजेंटल एक्सिस मींस एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस हो या स्पीड हो या वेलोसिटी हो, ये सब आपका वाई एक्सिस पे जाती है, याद रखिएगा। टाइम इज ऑलवेज इन एक्स एक्सिस, ये हमेशा याद रखिएगा। तो नाउ इसमें अब जो आपका इसमें थ्री टाइप्स ऑफ आपका नाउ स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं, ग्राफ फॉर ए मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए आपका जो बनते हैं नाउ देखो दिस, ये थ्री टाइप्स के आपके ग्राफ बनते हैं आपका नाउ देखो दिस। इसमें जो फर्स्ट टाइप आपका होगा, पहले मैं उसकी बात करूंगा, फर्स्ट टाइप है सर, क्लियर? मैं तीनों को एक साथ में लिखा रहा हूं, पहले फर्स्ट टाइप में आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ये जो मैं बनाऊंगा, व्हेन नाउ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, जब स्पीड आपका कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स है, जब दूसरा वाला आपका होगा व्हेन ए बॉडी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट होगा आपका, इसमें क्या रिमेन्स कॉन्स्टेंट में आपका क्या होगा, देयर इज नो एक्सेलेरेशन, याद रखिएगा, इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगा। ये चीजें थोड़ा सा आपको बहुत बॉटम में जाने की जरूरत है, और आज तक मुझे लगता है मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन यूट्यूब नहीं काम करते थे तो यूट्यूब में कहीं नहीं बनाया मैंने, अभी आज आपके पास पहली बार बना रहा हूं। देखिए एक्स एक्सिस पे आप क्या करेंगे, टाइम को डिनोट कर देंगे, टाइम टी यानी आपका सेकंड पे होगा, वेयर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस आर, वर्टिकल को आपका वाई एक्सिस कहते हैं, और ये आपका ओ का मतलब 0 0 आता है, ओरिजिन पॉइंट आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट, सो द वर्टिकल लाइन अपन इट इज डिनोटेड बाई स्पीड, और स्पीड की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड होती है, डिस्टेंस कल जो बनाया था वो मीटर में बनाया था, इज इट क्लियर सर? तो ना देखो इसमें ये हो गया, तो इफ देखिए अब यहां पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने देखो बी ले लिया, अब इसको बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये ए बी पॉइंट पे जब आपने मिलाया आपने देखा कि ए बी इज पैरेलल टू, देखो ए बी इज पैरेलल टू आपका देखो ना ओ एक्स एक्सिस, तो जब ये पैरेलल होगा तो ये आपका देखो आपका हमेशा कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड में आपका हमेशा एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है, याद रखिए। ये ए से बी जब आप जा रहे हैं ओ एक्स के पैरेलल तो ना देखो दस हजार ये उस समय आपकी कांस्टेंट होगी, ये हम बात को डिस्क्राइब अब करूंगा। तो इसका मतलब इफ द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ आपका ना देखो ऑफ ए बॉडी इस आ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी आपका ना देखो दिस इज द, तो देन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होगी यानी कि आपका देखो यूनिफॉर्म होगी, एक समान चाल से आप जाएंगे इसमें, ये होगी आपका नाम देखो, इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट का मतलब करने का मतलब आप एक्सेलेटर जब देते हैं गाड़ी में तो क्या होता है स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो यहां स्पीड बढ़ाने की बात ही नहीं, जहां स्पीड नहीं बढ़ा रहे इसका मतलब एक्सेलेटर आपका सामान्य है, एक सामान्य स्पीड से आप जा रहे हैं, दैट सामान्य जनरल विदाउट इंक्रीजिंग द एक्सेलेरेशन आपका, विदाउट इंक्रीजिंग या एक्सेलेटिंग विदाउट एक्सेलेटिंग दैट्स नोन एज योर कॉन्स्टेंट आपका नाम, तो मींस बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट वी मेंट दैट स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज,
स्पीड आपकी कभी भी इसमें चेंज नहीं होगी, आपका याद रखिएगा कल। हेंस देयर इज नो एक्सीलरेशन। ये जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये अगर आपके स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे उसमें तो वो छोड़ दीजिएगा आपका, ये बहुत है। अभी थोड़े दिनों बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां आपको बिल्कुल पता लग जाएगा आपका नाम। देखो दिस इज अ तो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस भी कहते हैं इसको, टाइम एक्सिस या ओ एक्स एक्सिस या इसको टाइम एक्सिस भी कहा जाता है आपका नाम। देखो दिस इज इट क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन इज व्हाट दैट इज ए बी आपका नाम, एंड दैट ए बी इज आपका पैरेलल टू ओ एक्स या टाइम एक्सिस के आपका होगा। इज इट क्लियर। तो क्या हो गया कि दिस स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन होगी आपका ना देखो विच इज पैरेलल टू द टाइम आपका एक्सिस या ओ एक्स एक्सिस, देन द स्पीड ऑफ ए बॉडी उस समय जो बॉडी की स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, विल बी यूनिफॉर्म एंड मीन्स स्पीड डज नॉट चेंज। और जब स्पीड डज नॉट चेंज होगा तो कोई भी उसमें देयर विल बी नो एक्सीलरेशन आपका उसमें होगा। कुछ बोलना चाहेंगे आप, कुछ पूछना चाहेंगे, क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन नहीं होता है, जीरो होता है, और स्पीड आपका हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है या कांस्टेंट होती है, एक समान गति एक समान चाल से आप चलते हैं। क्लियर हो गया? फाइन। अब इसी में टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से आप कैसे आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं आपका ना। सो स्पीड इज इक्वल टू ना डिस्टेंस ट्रेवल, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, दैट विल बी फाइंड आउट बाय द स्पीड। तो मीटर पर सेकेंड होगी या किलोमीटर। अब आप यूनिट की बात करते हैं, देखो तो यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका किसमें होगा, मीटर में होगा, एंड दिस इज सेकेंड या और इट कैन बी हायर। अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, पर आर हो जाएगा। तो ठीक हो गया। तो ना देखो तो डिस्टेंस को जब आप फाइंड आउट करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स एस इज इक्वल टू स्पीड इज व्हाट वी इनटू आपका टाइम स्पीड। ये आपका देखो अगर आप मैथ वाले तो देखो आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी एम का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डिस्टेंस अपनी जगह में इट इज गोइंग अप एंड मल्टीप्लाइड विद दिस स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है सर, क्लियर है? सुनाओ तो इसका मतलब इन्हें स्पीड टाइम ग्राफ ऊपर बिल्कुल देख लीजिएगा, ये भी हो सकता है और भी बना सकते हैं आपका ना। देखो द एरिया इनक्लोज्ड, जो एरिया आपका इनक्लोज है बाय द स्पीड टाइम, बाय द स्पीड टाइम ग्राफ जो आप सामने देख रहे हैं, स्पीड इज डिनोटेड इन वाई एक्सिस एंड टाइम इज डिनोटेड इन योर एक्स एक्सिस आपका होता है यहां देखो, तो एंड स्पीड टाइम ग्राफ किसमें देख रहे हैं आपका, स्पीड टाइम देखो आपका ग्राफ में किसमें, इसमें जो कर्व आएगी आपके, इसमें ग्राफ की जगह में आप कर्व भी लिख सकते हैं, ऐसे भी होता एरिया इंक्लूज कर रहा है आपका ना। देखो जैसे आपका कर्व गिव्स अस द डिस्टेंस, यही हमें डिस्टेंस आपका देता है। अब आपका देखो अगर आपको कोई बोले ये इसमें स्पीड एट आपका ये देखो इसमें स्पीड एट सी निकालो, सी पे स्पीड निकालो आपका, तो क्या हो जाएगा सी का मतलब ये सी पे सी बी ये हो जाएगा आपका, और सी बी इज इक्वल टू क्या है, सी बी इज इक्वल टू क्या है ओ ए। तो इसके मतलब अब आपका क्या हो गया स्पीड एट सी का मतलब क्या हो गया ओ ए आपका हो गया। ठीक है, और अगर कोई पूछेगा टाइम एट सी, सी पे टाइम बताओ, सी पे टाइम बताओ, इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा ओ सी, क्या हो जाएगा ओ सी।
अपने आप ही हो गया। इसके बाद आपका देखो डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल इसी बार आपका क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी, जो लेंथ इंटू आप क्या कहते हैं ब्रेथ। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसके मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया। इसी में आपका नाम देखो, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपका नाम ले सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट। यहाँ पे जैसे कांस्टेंट स्पीड आ रही थी, जब यहाँ क्या करेंगे वेलोसिटी लिखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका वेलोसिटी हो जाएगा। वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, आपका पैरेलल टू टाइम एक्सिस के हो जाएगा। इज इट क्लियर, प्लीज डू इट छेती छेती। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है देखो, इसके बाद सेकंड वाला बात को कराऊंगा। मैंने एक्चुअल में इसके बाद करवाना चाहिए था आपको स्पीड टाइम ग्राफ में, व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, वो मैं परसों मंडे को पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसके साथ मैंने आज एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। आपका देखो ना, फाइंड द वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर। पेन छोड़ दीजिएगा सर प्लीज। आपका देखो, सबसे पहले ये जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो यहाँ सॉल्यूशन इस पर छोड़ दीजिएगा, यहाँ आ जाइए आप। देखो ये सबसे पहले क्या लिखा है, देखो आपके नाम ये अप्लाइंग द ब्रेक्स। दो चीजें समझ में आ रही है आपके नाम। देखो इसका मतलब देखो, ये किसी चलती हुई ट्रेन को ब्रॉट टू रेस्ट, आप चलती हुई ट्रेन को रेस्ट में ला रही हैं। ब्रेक मारने का मतलब रिटार्डेशन हो, ब्रॉट टू रेस्ट है। इसका मतलब आप क्या जान रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी आपका हमेशा जीरो होती है। ये देखिए, अप्लाइंग द ब्रेक जब होता है, ब्रॉट टू रेस्ट जब लिखा होता है ये स्टेटमेंट, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आपका देखो ना, पहली चीज है फाइनल वेलोसिटी। अब आपका देखो ना, जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो रिटार्डेशन का मतलब डी एक्सलेशन ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। देखिए आपका रिटार्डेशन है माइनस में आपका ना देखो, और टाइम आपका देखो 20 सेकेंड। अब इन चीजों के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो तो आप किसी चीज को रेस्ट से स्पीड में ला रहे हैं, या आप उसमें यूनिफॉर्म एक्सलेशन ला रहे हैं, या आप उसको ब्रॉथ टू रेस्ट ला रहे हैं, पहली चीज तो ये आपने कंफर्म करनी है एक। उसके बाद दूसरी चीज आपकी यूनिट्स, जैसे यूनिट आपने एक्सलेशन की यूनिट जो आपकी है जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। आपका डिस्टेंस आपका मीटर में होना चाहिए, अगर किलोमीटर में किलोमीटर विल बी कन्वर्टेड इंटू द मीटर, याद रखिए। अगर टाइम आपका आर में है या आपका मिनट में, ये पर मिनट नहीं है, आर में और मिनट में, तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू अ सेकेंड। यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, इन स्टेटमेंट्स में ध्यान दीजिए, और उसके बाद फॉर्मूला जो रिक्वायर्ड है आपके पास वी जीरो है। आपका देखो ना, ये गिवन आपका स्टेटमेंट की बिहाफ पे आपका ना देखो, ये गिवन स्टेटमेंट ये इनके बिहाफ पे हो गया। अब आप देखो यहां पे टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो आपको वेलोसिटी निकालनी। अब आप यहीं से पता लग जाएगा, जब फाइनल वेलोसिटी ही आपका ना जीरो होगे तो ये आपके जो वेलोसिटी आपको निकालनी है, ये इनिशियल वेलोसिटी यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब पहला स्टेप आपका देखो, ये पूरा देख लीजिएगा, इसमें पूरा ये आपका उसी में गिवन आ गया आपका, और उसके बाद आपका सेकेंड आपका फाइंड आउट, उसके बाद थर्ड रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो आप अप्लाई करेंगे, यानी कि जिसमें वी भी हो, जिसमें ए भी हो, जिसमें टी भी हो, और जिसमें आपका यू निकालना हो, तो आपका नाम दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए। देखिए, v हमारे पास जीरो, u वी हैव टू फाइंड आउट,
ए इज माइनस टू एंड टी इज 20. तो जीरो इज इक्वल टू यू प्लस माइनस का माइनस 40. अब आपका देखो ये उधर ले जाएगा तो 40 इज इक्वल टू यू ओ टी में चला गया आपका नंबर. अब स्वैपिंग कर दीजिएगा तो यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड यूनिट मस में. अगर आप इसको ऐसे नहीं करते आप कहेंगे सर कैसे करते हैं? तो देखो जब v इज इक्वल इसको u माइनस ए टी भी लिख सकते हैं. क्यों? कि रिटार्डेशन है अप्लाइंग द ब्रेक है. दीज ऑल स्टेटमेंट्स वी हैव टू राइट वेरी क्लियरली. फॉर्मूला प्लस का ही होता है लेकिन देखिए जब प्लस का होगा तो रिटार्डेशन आप माइनस लिख देंगे. यहीं से पता लग जाएगा इसका मतलब आपने ब्रेक अप्लाई की है. तो देखो v जीरो u देखिए u हमें निकालना है माइनस a. अब आप पॉजिटिव टू रखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में आपने रिटार्डेशन के हिसाब से प्लस वॉज कन्वर्टेड इंटू द माइनस वन. तो देखो आपका इंटू आपका दिस इज 20. अब जैसे मैं इसको यहां ले गया ये कोई जरूरी नहीं है किसी डॉक्टर ने नहीं बोला आपका देखना पहले तो देखो जीरो यू माइनस आपका 40. आप इसको भी उधर ले जा सकते हैं तो माइनस यू इज इक्वल माइनस 40 ओटी में हो जाएगा. माइनस से माइनस का लॉस तो यू इज इक्वल स्वैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है. ये हमने स्वैपिंग किया दिस इज स्वैपिंग तो यू इज इक्वल 40 खाली 40 क्या 40 गधे घोड़े तो उसकी यूनिट लिखोगे ना तो दैट यूनिट इज मीटर पर सेकंड. आप समझ गए? तो यूट्यूब चैनल में इस सवाल को भी देखिए उन्होंने कैसे किया. मैंने तो आपको ये बता दिया था उसे. तो कल संडे है मस्त रहो मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में पढ़ाई करो कोई दिक्कत नहीं है ना. बस्ती में आग मत लगाना बस पढ़ाई अच्छे बच्चों का साथ करो तभी अच्छा.